और आइए आपको सीधा ले चलते हैं जहां संजय सेठ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। दो साल कोरोना के बीते, किंतु कोरोना में भी हम सब घर में नहीं बैठे, नर सेवा नारायण सेवा के मंत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर आह्वान पर हम सब कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर, चाहे नमो आहार हो, चाहे पका हुआ भोजन हो, और नमो सुरक्षा किट, आप सब वाकिफ होंगे, 10 लाख झोले नमो सुरक्षा किट, उसमें 2 सैनिटाइजर, 2 मास्क, 2 साबुन। जब सैनिटाइजर गांव का तो छोड़ दो, शहर के लोग भी सैनिटाइजर का नहीं जानते थे, सैनिटाइजर है क्या, कैसे उपयोग करना है। उस समय हम लोग बोलते थे दूध गुण टपकाइए मलिए बीमारी गए। तो ऐसे 10 लाख झोले रांची लोकसभा में बटे, उसके बावजूद अगल बगल के जो लोकसभा वो भी ले गए, हमको उसमें कोई भेद नहीं था, सबको हमने सेवा की। और पका हुआ भोजन, हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ता पका हुआ भोजन जिसमें दूध फल अंडा, सभी रांची में जो भी कोरोना के मरीज है, जो भी जिन्होंने भी सूचना दी, लगातार उनके घर के गेट पे टांग के आते थे। उसमें दूध रोज 1 लीटर दूध होता था, 2 अंडे होते थे, संतरा फल जितना वो सब होता था, फिर दाल रोटी सब होती थी लगातार। और 2 साल के अंदर महानगर में ग्रामीण भारतीय जनता पार्टी सबने अथक अथक प्रयास किया, और इन 3 सालों में आप सब पता होगा, 2 साल के अंदर सब कुछ डिरेल था, पहले जान बचानी थी। इन 3 सालों के अंदर रांची लोकसभा में बड़े कार्य हुए, और लगभग 450 किलोमीटर सड़क PMJSY की बनी, और उसके बाद आप देखो कल ही परसों हमने एक ट्रीटमेंट प्लांट का, CTP प्लांट का उद्घाटन किया। यह MSME मिनिस्ट्री से पैसा हम लेके आए थे, टूपुदाना में जो इंडस्ट्री का पानी होता है वो जहरीला होता है, उससे खेत बंजर हो जाते हैं, नाला जाम हो जाता है, सड़क खराब हो जाती है, तो वो प्लांट लग के परसों उद्घाटन कर दिया। उससे अब राइस मिल कहीं लगता ना तो खेत वाले चिंतित हो, राइस मिल का लग रहा है यहां मत लगाओ, मेरा खेत बर्बाद हो जाएगा, शराब फैक्ट्री उससे भी बर्बाद हो, खेत यहां मत लगाओ। अब राइस मिल का पानी हो, शराब फैक्ट्री का पानी हो, उद्योगों का पानी हो, अब पूरी तरह स्वच्छ। और वो पानी रोजाना 35 लाख लीटर, 35 लाख लीटर पानी रोज शुद्ध होगा, और वह पानी आम के आम गुठली के दाम, वह पानी 35 लाख लीटर रोजाना पानी स्वर्णरेखा नदी में जाएगा जो जहरीला पानी। दूसरा, बड़गाई में सीवरेज सिस्टम के लेकर एक प्लांट लग के तैयार हो गया, पिछले 1.5 साल से तैयार है, उसमें लगभग 304 करोड़ रुपया JNREOM से 304 करोड़ रुपया लगा। अभी 15 दिन पहले हम गए थे उसका निरीक्षण करने, बीच में रुक गया था, फिर हम प्रयास किए स्टेट गवर्नमेंट फिर केंद्र सरकार करके पुल बना के काम किए तो तैयार हो गया, 1.5 साल पहले तैयार हो गया, अभी तक NOC नहीं मिला, अभी तक हैंडओवर नहीं लिया। और 53 वार्ड का सीवरेज का जो पानी है लगभग 370 लाख लीटर, 370 लाख लीटर पानी रोजाना शुद्ध होकर, कौन पानी, सीवर का पानी, जिससे पॉल्यूशन, जिससे बीमारी, जिससे नाला जाम, जिससे सड़क टूटनी, वह पानी शुद्ध होकर
जुमार नदी, जुमार नदी भी जिंदा हो गई, तो उसमें कुछ कमियां थी, अभी तक बिजली का वहां व्यवस्था नहीं हो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।